हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ बीके ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस फाइनली तो हम लोग का सबसे छोटा से देख के आया है, तो हम लोग का मिसिंग कम्युनिटी का सबसे टॉप मतलब हम लोग का कॉमेडियन मैन हम लोग का मिस्टर संदन पेगू, तो स्वागत है मेरा चैनल में। तो उसको थोड़ा सा मैं और एक है जो हम लोग का मिसिंग कम्युनिटी का आर्टिस्ट मिसिंग कम्युनिटी का जो वीडियो बनाते हैं, जो एक मूवी बनाते हैं उसका एक ये है आपका प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी है। तो स्वागत है मेरा चैनल में। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं हम लोग का भैया संदन हम लोग का जो पेगू है उसको मैं कुछ आज मतलब कुछ मन की बात या जो भी हो ऑडियंस का बात मतलब हम लोग कोऑपरेशन करने के लिए कुछ बातें पूछना चाहूंगा। तो स्वागत है मेरा चैनल में भैया जी। तो आपका जैसे कि आपका हाल चाल थोड़ा बताइए कैसे है। प্রথম মোর ইমান হালচাল ঠিকঠাক নহয় মানে প্রথম প্যারালাইজ হয়ে গেল আজি দুবছর জুড়ে একেলগে আছো তারপরে দাওয়াই সবাই খাই কিছু উপশম হয়েছে বারো কিন্তু তার ভিতর আর বহুত কিছু খাবলে বাকি আছে মই অলপ দাওয়াই সবাইবিল অকান পাহরি গেছো আর तो गाइस मैं बताना चाहूंगा ये बोलने जा रहा है कि वो कुछ दिन कुछ साल पहले ये एक मतलब कुछ शूटिंग के दरमियान वो एक मतलब घायल हो गया, मतलब घायल ऐसा हो गया कि मतलब वो एक पैरालाइज हो गया था। अभी काफी रिलीफ हो चुका है, हम लोग देखने में आया है। तो काफी वीडियो काफी दिन से मिलने के लिए मन था, तो उसको उस वो सडनली हम लोग का जगह में आया है, नामसाई डिस्ट्रिक्ट में आया है। तो इसलिए आस मिला है, बहुत बहुत भगवान से भी मैं प्रे करूंगा कि मतलब जल्द से जल्द रिलीफ हो जाए उसका जो बीमारी है। तो वो मतलब ऐसे भी हो रहा है कि गाइस मैं ये बात तो बोलना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन मैं बोलना मतलब बोलने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। तो उसका कुछ ऐसा कुछ पर्सनली मतलब ऐसा कुछ मैटर है कि जैसे कि हर कोई मतलब एक घर का मैटर है, जैसे कि ये भैया जो बहुत आजकल मतलब दुखी में है, जो पहले काफी लोगों को एंटरटेनिंग किया था, लोगों को हंसाया करता था, रुलाया करता था, तो आज यही व्यक्ति ने आज ऐसा नौबत में जो इंसान मतलब साथ देना चाहिए वो आज उसको साथ नहीं दे रहे। तो ये सुन के हम लोग को मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा है, दुख भी इतना मन में इतना दुख लग रहा है कि मतलब ये भैया का साथ ऐसा घटना होने के बावजूद और डबल घटना हो रहा है, जो जिस तरह से तकलीफ हो रहे। तो मैं ये सजेशन करना चाहूंगा ये हम लोग का जो हम लोग का संदन भैया का जो वाइफ है उसको मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि उसको मतलब जिस तरह से हाल में है अब भी अगर साथ में देगा तो वो तुरंत मतलब जल्द से जल्द रिलीफ होने का चांसेस होते हैं, क्योंकि आदमी को जब ऐसा बीमारी होते समय में आदमी को एक जोश देने का बहुत जरूरी होता है, उसको जुनून देना बहुत जरूरी होते है। क्योंकि आदमी जब अंदर में मतलब क्या होते है, एक बीमारी होने से आदमी का अंदर में बहुत डर फीलिंग्स होते हैं, वो डर को वो निकालने के लिए कौन होगा, उसका जो जीवन साथी है वही करेगा। तो बहरे आदमी लोग तो जो लोग आते हैं उसका दोस्त वगैरह लोग आते हैं, जितना अपना जो जीवन साथी है जितना वो जोश देगा जितना उसको मतलब ये उत्साह दिलाएगा इतना तो दोस्त लोग करने से भी इतना उसका अपना जीवन साथी जितना उसको समझते है वो वाला नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा जो हम लोग का चंदन भैया का वेब को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तुरंत आप अगर कहीं में भी रहो तो हम लोग का भैया को मतलब थोड़ा सा आके थोड़ा संभाले और उसका रहन दहन को थोड़ा आप खाना पीना को थोड़ा देख दीजिए, मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा। तो भैया को मैं मेरा चैनल में आने के लिए कीमती समय देने के लिए तो थैंक यू। तो अभी मैं आता हूँ हम लोग का मिस्टर अमीन भाई, नाम क्या था आपका, आप बता दीजिए नाम को। जी मैं नमस्कार, मेरा नाम भाटी गम है, मेरा घर है ढकुआखाना और मेरा गांव का नाम है अमगुड़ी मेटी होती। अच्छा, तो आप फाइनली आप ये आर्टिस्ट लाइन में ये कितना साल हो गया? साल का बात तो हम तो 45 इयर्स हो रहा है, तो कम से कम आर्टिस्ट लाइन में 22-25 इयर्स से आर्टिस्ट लाइन में ही हूँ। तो अभी आपका ये आर्टिस्ट लाइन में किस तरह से अभी मतलब आपका सिचुएशन, कभी अताप सर आप कभी मतलब ऐसा मन में आता है कि चलो यार एक मूवी बना दे, मैं डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट करने के बाद में तुरंत मेरा मूवी मतलब थोड़ा डाउन में आ गया, तरह उस समय मन में मतलब
कुछ फीलिंग आता है कि मैं ऐसा लगता है कि चलो यार मैं छोड़ देता हूँ ये काम वगैरह, जरूर आता है। ऐसा हमारा आर्टिस्ट लोग, हमारा मिसिंग कम्युनिटी का आर्टिस्ट या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ऐसे तो बहुत चला गया, बहुत कुछ करके चला गया, लेकिन हमारा जो मिसिंग कम्युनिटी का जो सिस्टम है ये सिस्टम डेवलप करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है अभी तक। अभी हम लोग सोच रहे हैं हम क्या करने से वो हमारा मिसिंग कम्युनिटी ठीक तरह से सिनेमा देखना चाहिए, और हम लोग का जो आर्टिस्ट है आर्टिस्ट लोग को जैसा जो प्यार करना चाहिए ये सब नहीं हो रहा है, इसलिए हम तो अनुरोध कर सकता हूँ आपका चैनल। अनुरोध कर सकते हैं, हम बोल रहा हूँ कि मिसिंग कम्युनिटी का जितना भी हो जो पब्लिक है जो अच्छा वाला आदमी लोग जो बड़ा वाला आदमी लोग है अच्छा कुछ हम लोग को जो आर्टिस्ट लोग को थोड़ा हेल्प करना चाहिए और अच्छा दिख से अच्छा निर्णय करके हम लोग का जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प करना चाहिए। तो गाइस ये बोलना चाह रहे कि मतलब कि हम लोग का जो मिसिंग कम्युनिटी है तो हम लोग का जो मूवी बनाते है एक डायरेक्शन करके एक डायरेक्ट करके इतना पैसा लगा के करते है तो ऐसा मतलब इसका ये बोल रहा है कि मतलब कि ये हम लोग का कम्युनिटी का अंदर में मतलब थोड़ा यूनिटी होना है और फिल्म लोग को थोड़ा अच्छी तरह से मतलब कौन सा दिशा में बना रहे ये मूवी क्या तरीका से बना रहे उसको पहले समझना है, उसके बाद अच्छा से मतलब उसका फीडबैक देना बहुत जरूरी है क्योंकि अलग कम्युनिटी का तो बहुत सारा मतलब पॉपुलर हो चुके हैं, हम लोग का कम्युनिटी का थोड़ा सा मतलब अभी तो पहले से ज्यादा तो उठ ही गया तो और भी ज्यादा अगर यूनिटी आएगा तो गाइस अभी हम लोग का और भी ज्यादा उठेगा। तो ये तो और मैं आपको पूछना चाहूंगा जैसे कि अभी जैसे कि आप डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते समय में कुछ प्रॉब्लम सेट करना पड़ता है या प्रॉब्लम आते है आपका जो आर्टिस्ट है तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो बहुत कमती होता है, कम है, हमारा ट्रेनर तो कम है, तो अपना मर्जी से क्विक वो जो मन में वो सोच के हम एक्टिंग करेगा ऐसे बोल के आता है एक्टिंग करने का, लेकिन हम तो प्रोफेशनल नहीं है, ट्रेनर नहीं है, इसलिए दिक्कत तो आता ही है। और हमारा संदंदा जो डायरेक्टर किया है, स्क्रिप्ट राइटर है, उनका साथ भी हम काम किया है। डायरेक्टर एक डायरेक्टर कैसे सोचता है ये आर्टिस्ट समझना चाहिए, ये समझने के लिए तो ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग तो होने चाहिए हर चीज में, तो ट्रेनिंग का बहुत जरूरी होता है, ट्रेनिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हर चीज में, प्रैक्टिकली तो बहुत जरूरी होता है, दिक्कत तो आता ही। तो मैं फिर से मैं हम लोग का संदन भैया का या मैं मतलब कुछ बातें पूछना चाहूंगा जैसे कि गाइस मैं उसका थोड़ा बारे हम फिर से हम बताना चाहूंगा। मैं बचपन से जब हम लोग छोटा था तब से हम उससे उसका मतलब कॉमेडियन उसका हर मूवी हर उसका मतलब एंटरटेनिंग हम देखता था तो उसको हम लाइफ में सोच रहा था उसको लाइफ में जरूर हमको मिलना है। तो जब हम एक बार हम लोग का उधर असम एक दोस्त था तो उसको हम पूछा था तो संदन पेगो को आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो उसको कभी दिन हमको मिलाना क्योंकि उसका बिग फैन है, क्योंकि इतना लोगों को हंसाता है, इतना हंसाता है बोलो मत कुछ अभी, लेकिन उसको अभी हम लोग हंसाना बहुत जरूरी है। और आप लोग भी गाइस मेरा जितना व्यूवर्स है तो ये हम लोग का संदन भैया के लिए फ्रे कीजिए क्योंकि उसका जो अभी बीमारी है ये जो महामारी है ये चीज को वो तुरंत मतलब सब लोग फ्रे करके तुरंत रिलीफ हो और जल्द से जल्द हम लोग का फिल्म का दुनिया में फिर से रिटर्न आए। और मैं आशा करता हूँ भैया जी आपको फिर से हम रिटर्न आए और अब फिर से हम लोग को एंटरटेनिंग करे और फिर से हम लोग को हंसाए, फिर से हम लोग को रुलाए, पेट पकड़ पकड़ के मतलब हम लोग को फिर से हंसाने के लिए आप लोग फिर से फिल्म का जगत में फिर से आए बोल के हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और जल्द से जल्द से आप रिलीफ हो जाए। तो आप फिल्म में फिर दोबारा आने का मतलब कुछ प्लानिंग है आपका? हाँ जी सम्भव अभी मे माह भर निजे एस्टाब्लिश हम गति के आशा करो अपना आशा बार्ता आज आम हाथ नए इमान बांधे हम मोटामुटी आम भले कुशले एक्टिंग कर ठीक 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 है। फिर से मैं ये भास्कर नाम क्या था हम लोग का जो प्रोड्यूसर है उसका फिर से उसका बारे में उसका साथ मैं फिर से बात कर रहा हूँ। तो ये आप
संदन भैया को कब से जानते हैं? तो 90 से, 90 से ना। कि उसका आपका साथ कितना, उसका साथ में रहते हुए कितना साल हो गया, मतलब ऐसे फिल्म का दुनिया में? हम तो पहले गांव का नाटक है ना, तो स्टेज प्रोग्राम होता था, हम लोग छोटा था, हमसे भी थोड़ा बड़ा है, और एक साथ हमें जो म्यूजिशियन वो ग्रुप सिस्टम से हम लोग म्यूजिशियन नाटक का म्यूजिक हम लोग बनाता था, और कभी कभी हम लोग थोड़ा कॉमेडी एक्टिंग भी स्टेज प्रोग्राम में कर देता था ऐसे हम। अच्छा, काफी फिल्म का जो शूटिंग वगैरह करते समय में काफी हंसाता होगा, कॉमेडियन तो ऑन द स्क्रीन में भी होता होगा? वो अलग बात है, ये तो चंदन पे वो तो अलग चीज है। हाँ, तो उसका जैसे और मतलब और डुप्लीकेशन होने वाला ही नहीं, मतलब ना तो हो भी नहीं सकता है। हाँ, तो चंदन पे तो चंदन पे ओनली वन पीस, वन पीस तो है। तो चंदन पे का एक्टिंग हम कर से करे भी हम चंदन पे नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये सी से अलग है। नहीं, ये भैया का जो कॉमेडियन जो मतलब बोलते हैं ना, एक बार बोल देते हैं कसम से, बोला इतना मजा लगता है ना, मतलब कि वो जैसे कि बॉलीवुड मूवी में एक है जो रसपाल यादव, ठीक इसी तरह से हम लोग का कम्युनिटी का ये एक रसपाल यादव है, इस तरह से इतना मजा से आपको मैं स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा, तो उसका तो आप मतलब एक दो डायलॉग सुन लीजिएगा किस तरह से डायलॉग बोलते हैं वो, बेफिक्र लोगों को, मतलब वो ऐसा नहीं लगता है कि वो पूरा फिल्म का कुछ एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसे दोस्त लोग का साथ में मिलके एक जोक मार दिया और लोग हंस गया। तरह से है तो फिर से मैं आपको मैं और पूछूंगा, तो आप अभी उसका शादी है तो अभी काफी मतलब कि जो उसका जो हार्ट है नहीं चलने वाला, तो अभी काफी रिलीफ आ चुका है देखने में ना, तो अभी उसका और ट्रीटमेंट चल रहा है? ट्रीटमेंट तो ऐसा नहीं है, तो कभी कभी वो मिलता है, बेसेस मिलता है, तो थोड़ा सा मलिश करता है, और इनका दवाई है तो इनका जो मन को जितना भी खुश होना चाहिए उसको मोटिवेट देना चाहिए, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये इसका दवाई है, दूसरा दवाई नहीं है, वो पहला इसका दवाई एक्स्ट्रा नहीं है, तो दिमाग में तो प्रेशर देने से कुछ मानसिक वो छाप देने से तब तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा खुल्लम खुल्ला हंसते रहो, थोड़ा मन को थोड़ा शांति मिलो, तब तो अच्छा ऑटोमेटिक अच्छा होगा। इसीलिए अभी देख रहा हूँ एक महीने से हम एक साथ ही हैं, तो जितना रिलीफ हो रहा है तो आप लोग देख रहे हैं। हाँ, उसका भी काफी दिनों से मतलब जब वीडियो में हम देखा था, अभी तो पूरा चलने भी सक रहे और हाथ भी हिलाने सक रहे आराम से, तो और मैं आशा करता हूँ कि मतलब जल्द से जल्द रिलीफ हो। और हम लोग अभी और क्या बोलते हैं गालोंग आदि मिसिंग एक साथ करके मैं से स्टार्ट होगा, मैं से ना एक मूवी होगा, और वही पर हम लोग
ऑडिशन होगा, ऑडिशन में जो आदि मिशिंग गालों का सब आर्टिस्ट हम लोग बुलाएगा और इसमें विनोद कुमार, यक्षाकुली, राजकुमार बेगू, सरदन बेगू, भाटी गम, हम पांच आदमी एक साथ ऑर्गेनाइज करेगा और ठीक से वो सिस्टम हम लोग ऑडिशन करके सिस्टमेटिक हम करेगा, ये हम सोच रहे हैं। नहीं नहीं, वो बात तो सही है, आपका जो सोच है ठीक ही है, क्योंकि मतलब आदमी जब एक बार प्लानिंग होने का बाद ना, आपका जो सोर्स है बहुत 100% ठीक है, हम लोग भी सपोर्ट करता हूँ, तो हम लोग भी आपका टचिंग में रहेगा, तो आपको मतलब कि अच्छा है ये चीज, तो क्योंकि हम लोग आप असम से या हम अरुणाचल, वो बात नहीं है, है कि नहीं, तो मतलब मिलके एक काम करेगा तो डायरेक्शन भी मतलब काम करने के लिए भी काफी अच्छा लगता है। ये बिजनेस पॉलिसी है, हाँ। तो इसमें बिजनेस पॉलिसी है, बट अच्छे से बिजनेस पॉलिसी होगा ये, हाँ। तो आदि गालों मिसिंग एक साथ करके जो मूवी होगा, हाँ। ये तो अरुणाचल में गालों का कम्युनिटी में भी सिनेमा चलेगा, आदि का कम्युनिटी भी चलेगा, मिसिंग का कम्युनिटी भी चलेगा, इसलिए हम तो गालम का वो मिटोस हो रहा वो साथ दे रहा है और अरुणाचल का मिशन वो पूर्ण दल है और यह आदि का भी ऐसा ही है, हम लोग तो बहुत साथी हम मिला है अभी, बहुत अच्छा अच्छा आदमी लोग को हम मिला है, तो ये तो होगा ही जरूर, ये तो हम YouTube, मेरा YouTube में भी हम प्रसार किया है, हाँ, तो आपका चैनल में भी हुआ प्रसार होगा, हाँ, तो हम लोग एक साथ में हम लोग बोल दिया है। नहीं, वो डेफिनेटली होना है, हम भी सोचते हैं कि ये चीज तो होना है, क्योंकि तब क्या होगा, काफी हम लोग का जो कम्युनिटी, जो ये फर्स्ट तीन जो ट्रैफ है हम लोग का क्या होगा उस समय में, हम यूनिटी होगा तब तो और भी मतलब जो जितना अभी तो अच्छा चल ही रहे और भी आगे जाएगा, ठीक है, ये चीज तो बहुत अच्छा है। तो अभी सडनली और कुछ आपका आगे प्लानिंग, जैसे कि उससे उसका बाद और भी कुछ प्लानिंग है आपका? देखिएगा, वो जो ऊपर वाला का बात है, हम लोग सोचते ही रहेगा और क्या क्या हो सकता है देखेगा, और अभी जो हो रहा है अभी, हम गांव जाके हमारा जो लेने मिक्सी वो मूवी को हम लोग दिखा रहा है, किसे आदमी लोग पब्लिक लोग जैसे रिएक्शन जो होगा, तो बात का सिनेमा भी ऐसे ही, मूवी भी ऐसे ही होगा, तो हम जितना सके अच्छा करने के लिए हम लोग करेगा ना। तो गाइस, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो हम लोग का हम उसको भैया मतलब भैया बोल के हम पुकार रहे, कि भैया हम मतलब ऐसे मन में लगते हैं, हम भैया बोलने से और भी मतलब करीब लगेगा बोल के, इसलिए हम उसको भैया बुलाते हैं। तो गाइस, ये एक मूवी लेके आया है लेने मिक्सी, तो काफी अच्छा है, आपको मैं वीडियो के स्क्रीन में आपको थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखा दूंगा, तो वो लोग लेके आए है और भी वो लोग प्लानिंग किया है कि अभी असम और अरुणाचल मिलके और आदि गालो मिसिंग मिलके मतलब एक मूवी फिर से वो लोग बनाने के लिए एक प्लानिंग कर रहे बोले। तो गाइस, अगर कोई अगर इंटरेस्टेड है तो मेरा वीडियो को अगर कोई देख रहे, तो गाइस आपको ये हम लोग का डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर का नंबर हम दे स्क्रीन में दे देगा, तो गाइस उसको आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, तो आपको अगर इंटरेस्टेड है तो हीरोइन में, या आपको ऐसा हमको करने मन है, या ऐसा आपको करने मन है तो उसको कॉन्टेक्ट कर सकते है। तो गाइस, तो आप ये हम लोग का भैया का भी एक चैनल है, आपका चैनल का नाम बता दो। मेरा चैनल का नाम है भाईटी गम गम, इसमें मेरा ऐसा ब्लॉग नहीं बनाते है हम लोग, तो हमारा दोनों का कहाँ गया, क्या क्या कर रहा है, जस्ट ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, और मेरा गान भी हम दे देता हूँ, देखो तो गाइस ये उसका जो भाईटी गम गम वो चैनल को गाइस वो लोग अपना लाइफ स्टाइल को दिखाते हैं, क्योंकि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, कैसे ये भैया को कहाँ लेके जाते और कहाँ नहीं लेके जाते, क्या करते क्या नहीं करते, पूरा उसका अपडेट मिलेगा तो गाइस उसका चैनल में। तो गाइस उसका चैनल को आप विजिट करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना गाइस, क्योंकि भले उसके लिए नहीं, उसके लिए जरूर आप सब्सक्राइब कर देना उसका, क्योंकि ये भैया जो हम लोग का चंदन भैया को यही अभी गाइड करते हैं, तो मैं आगे में भी यही मैं आशा करता हूँ कि भैया आप उसको कभी मरने दम तक नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि हम भी खोना नहीं चाहते ये भैया, क्योंकि हम लोग का मिसिंग कम्युनिटी का सबसे ज्यादा हम उसको मतलब कम्युनिटियन में सबसे हम गुरु मानते हैं। जरूर जरूर जरूर, हम दोस्त है,
पहले हम मरेगा ये नहीं मरेगा। अच्छा तो और मैं और मतलब एक बात पूछना भूल गया, तो मैं संदन भैया के बारे में उसी को उसका दोस्त को मैं पूछेगा, तो उसका जो केस जो है जैसे कि उसका बीमारी जो है तो सडनली मतलब किस तरह से हुआ था, मतलब कैसे हो रहा थोड़ा बता पाएंगे? ये तो बहुत थोड़ा सा शॉर्टकट में बोल देगा। हम दोनों 3 महीने तक बातचीत नहीं किया था रिलेशनशिप तो थोड़ा पर्सनल मैटर में हम लोग का थोड़ा सा चलता ही है वो है। हर हर जगह में होते हैं कभी कभी ज्यादा वो करता है नहीं जिगरी डोज में वो सब होता है कभी कभी। और एक दिन शाम को आया फिरोज पे को और संदन पे को आया घर आया मे भी एक्सीडेंट में थोड़ा रेस्लर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तब दोनों आ गया तो आके हमको थोड़ा गान गाने का और प्रैक्टिस करने का बात बोला है ठीक है। हमारे घर पर जाके थोड़ा कीबोर्ड चीपोर्ड निकल के लाइव चैट फिटिंग करके फेसबुक लाइव करने वाला था हम हाँ, हाँ, हाँ। तब 10 मिनट के बाद अपना अपना से वो आठ ऐसा हो रहा है ये टन रहा है ऐसे बोल के थोड़ा रेस्ट करने के लिए हम छुपा में बैठने दिया मेरे घर में ही हो गया। और 10 मिनट का बाद वो खत्म ही हो गया पूरा मतलब स्टॉक हुआ 25 डेज कम से हॉस्पिटल में उनका बैठा। कौन सा हॉस्पिटल में उसको? आदित्य डिब्रूगढ़। ऐसा हुआ था और ये तो था आकस्मिक ये हुआ था मतलब सडनली हो गया और मेरा घर में ही हो गया। अच्छा तो हम सोचता है तो मेरा घर में हुआ ऐसे ही कि वो हमको सोने वाला नहीं है, हम पहले मरेगा ये नहीं मरेगा नहीं मरे नहीं वो सबका प्यार है ना क्यों मरेगा इतना जल्दी ये सबका प्यार है मतलब सब लोग दुआ करते हैं कि इसीलिए हम इनको भी हम नहीं सोने वाला है और जितना सके हम क्या कर सकता है ये करेगा। ठीक है मैं आशा करता हूँ तो मेरा चैनल में थोड़ा कुछ बता दीजिए जरूर। ये आपका क्या नाम? बीके ब्लॉक। बीके ब्लॉक डीएम डीएम बीके ब्लॉक डीएम को आप लोग सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट दो और जितना सके आगे ले जाने के लिए आगे जाने के लिए तो भगवान से प्रे करो। और ऐसे हम लोग एक साथ होगा तो जिंदगी लाइफ तो बन जाएगा, अब भी बन जाएगा ये भी बनेगा हम भी बनेगा अपना अपना आदमी लोग को ऐसा ही होना चाहिए जी हम बोल दिए जी। तो गाइस अब लोग सुन ही लिया होगा ये भैया का उसका हिस्ट्री और ये उसका जो अभी सिचुएशन चल रहा है उसका हिस्ट्री अब लोग सुन ही लिया होगा। तो गाइस अगर ये दो मेरे लिए नहीं उसके लिए ये हर हिंदुस्तान का हर कोने जितना मिसिंग कम्युनिटी है जो लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं तो हिंदुस्तान का हर कोने में मतलब ये बात को पहुंचना चाहिए और उसका जो लोग भी देखेगा जितना लोग भी देखते हैं भले वो 100 लोग भी देखेगा जरूर उसके लिए एक फ्रे कर दीजिएगा और उसके लिए एक लाइक मार दीजिएगा कि उसको लाइक भले ना करे लेकिन फ्रे जरूर कर देना उसके लिए कि जल्द से जल्द रिलीफ हो और फिर से फिल्म का दुनिया में फिर से आके हम लोग को फिल्म स्क्रीन में हम लोग को देखना चाहिए। तो गाइस आज का जो एपिसोड है तो ये हम लोग ऐसे भी कांटेक्ट में रहते रहेगा तो कहा क्या होते हैं आप लोग को मैं अपडेट देते रहूंगा। तो आज का जो इंटरव्यू है ऐसे टेम्पोररी एक इंटरव्यू जैसा लिया है दोनों को मिला तो अब दोनों को कीमती समय देने के लिए थैंक यू तो धन्यवाद करता हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही है तो गाइस मिलते हैं तब तक के लिए अगले एपिसोड में तो थैंक यू सो मच।